जतिन मोनी जतिन में आपका स्वागत है। मैं हूं युवराज। इस वक्त हम अभी खड़े हैं मुंगेर जिला के शहीद स्मारक पर। आप देख सकते हैं और जान भी सकते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सरकार की बहुत बड़ा विनम्रता है कि महिलाओं को आज धरना प्रदर्शन के रूप में बिहार सरकार दे रही है। आप देख रहे हैं जिला आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की यहाँ पर धरना प्रदर्शन है और मैं चंदन जी से कहूँगा कि एक बार यहाँ पर देखें, इतनी बड़ी तादाद में महिलाएँ यहाँ आंगनबाड़ी की बैठी हुई हैं और सरकार जान भी रही है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अब विडम्बना ये है कि इनको कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आज सरकार के विरोध में ये बैठे हुए हैं, इसी क्रम में इनके जो नेतृत्व करने वाली जो यहाँ पर है महिला, मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि यह किस तरह का धरना प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम मॉर्निंग न्यूज 18 पर आपका स्वागत है। आप अपना नाम बताते हुए पूरे विवरणी हमको बताएं कि किस तरह का यह धरना प्रदर्शन आप लोग आयोजित किए। हमारा नाम रश्मि कुमारी है, मुंगेर सदर, मुंगेर जिला की महासचिव हूँ। आज जो महिला दिवस के दिन महिला रोड पर आई हैं, सरकार को दिख नहीं रहा है, हम लोग का काम उनको दिख नहीं रहा है। इसी कार्य को दर्शाने के लिए हम लोग सरकार से बार बार आग्रह, पहले आग्रह करते हैं उसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर भी सरकार हम लोग की कार्य को नहीं देख रहा है और हमारे मानदेय को वो नहीं बढ़ा रहे हैं। हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग 1975 से कार्य करें, हम लोग को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए और वो एक भी कार्य हम लोग का जो मानदेय है बहुत ही मजदूर से भी कम मिलता है और काम हम लोग 4 घंटे के बदला 8 घंटा 10 घंटा कार्य करते हैं। और सरकार से हमारी आग्रह है कि हमें सरकारी कर्मी का दर्जा देते हुए हमें प्रमोशन दे और वैसी सेविका जो योग्य है, जिनकी उम्र 45-50 जो भी हो गया है, उनको हक मिलना चाहिए, वो उनको प्रोन्नति मिलनी चाहिए और हमारा मानदेय 25,000 से कम नहीं होनी चाहिए। आपकी जो आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं इसका विवरण ही होगा ना कि एक दिवसीय है हमारा प्रोग्राम एक दिवसीय है। आज हम लोग डीपीओ कार्यालय में अपना ज्ञापन देंगे और अपनी मांगों को उनको सौंपेंगे। आज एक दिवसीय धरना है, डीपीओ के समक्ष हम लोग प्रदर्शन करेंगे। मैं आपके वहाँ पर देख रहा हूँ कि 14-2 काला बिला धारण का कार्य निषेधन है, उसके बाद फिर वो जो है वो इस तरह से 28-3 तक आप लोग कार्यक्रम कर चुके हैं, आज एक दिवसीय है। एक प्रश्न मेरे जहन में आ रही है कि एक तरफ आप सरकार के विरोध में जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बिहार का समाज सुधार अभियान पर आप ही लोग महिला चढ़कर उनके प्रोग्राम को सफल बनाते हैं, तो आज फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग सफल इसलिए बनाते हैं कि सरकार हम लोग के ऊपर द्रवित होकर हमें मानदेय दे, हमें सरकारी कर्मी का दर्जा। जब हम कार्य नहीं करेंगे तो उनको दिखेगा क्या? हम लोग कार्य करते हैं दिखाने के लिए कि हम लोग को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, प्राइमरी टीचर घोषित किया जाए, उनके बराबर हमारा मानदेय दिया जाए, हमारे प्रोन्नति दिया जाए। हमें हमारे पास वैसी योग्यता है, हमारी योग्य सेविका है जिनको प्रोन्नति के लिए, अब उनका उम्र एक्सपायर कर रहा है लेकिन सरकार अभी तक वैकेंसी 19 का वैकेंसी अभी 22 हो गया लेकिन अभी तक हम लोग को प्रोन्नति नहीं मिला है। इसलिए सरकार को हम लोग दिखाते हैं कि हमारी योग्य सेविका आज भी हर कार्य को करती है तो उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको प्रोन्नति मिलनी चाहिए और बाहर की बहाली को बंद किया जाए क्योंकि योग्य सेविका उतनी 100% सेविका योग है जिनको प्रोन्नति मिलनी चाहिए। चलिए धन्यवाद। बिहार के मुख्यमंत्री के वादे और नियादे को आप देख रहे हैं शहीद स्मारक पर। आज राष्ट्रीय महिला दिवस है और विनम्रता है कि आज महिला दिवस के अवसर पर यहाँ आंगनवाड़ी की महिलाएं धरना प्रदर्शन पे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री को अपनी ध्यान आकृष्ट करना होगा कि एक ओर वो समाज सुधार अभियान की बात करते हैं, दूसरी ओर उनके वादे और नियादे खोखला साबित हो रहा है जो जमीनी स्तर पर आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं मोर न्यूज 18। बने रहे मोर न्यूज 18 में।